हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलबीएस। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन चैप्टर नंबर सेकंड, द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट वन। इवेलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हेयरिंग इट। नाउ द स्टोरी ऑफ इवेलिन ग्लेनी हु कांट हियर। ओके, वो सुन नहीं सकती है, वो डेफ है। ओके, अब ये स्टोरी है क्या, लेट्स सी। लश आर क्राउड्स जोशल फॉर पोजिशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। अब यहाँ पे अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म पे बहुत ही क्राउड है, बहुत ही रश है। जोशल, जोशल मतलब पुश रफली, यानी एक दूसरे को लोग धक्के मार रहे हैं, यानी बहुत सारी भीड़ है। अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स वॉज नर्वस येट एक्साइटेड एज सी फेल द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। स्लाइट गर्ल, स्लाइट मतलब स्मॉल और थिंक, छोटी हाइट में है, पतली सी गर्ल है जो अराउंड 17 ईयर्स ओल्ड है। थोड़ी सी नर्वस और एक्साइटेड भी है, जैसे ही उसने फील किया वाइब्रेशन किसकी, अप्रोचिंग ट्रेन मतलब वो से आने वाली ट्रेन की वाइब्रेशन को फील किया। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस लॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन। ये उसका फर्स्ट डे था प्रेस्टिजियस लॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन में, जो है उसके लिए उसका फर्स्ट डे था। एंड डॉन्टिंग इनफ, डॉन्टिंग मतलब वो से तो थोड़ी सी घबराई हुई है, फिटर्न है, ठीक है ना, इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फॉर्म। और थोड़ी सी घबराई इसके लिए है क्योंकि वो टीनेजर है, यानी 17-18 ईयर्स की ओल्ड गर्ल है जो बिलोंग करती थी स्कॉटलैंड से, स्कॉटिश फॉर्म मतलब कहीं ना बिलोंग करती है स्कॉटलैंड से, यानी उसके लिए थोड़ी सी घबराई हुई क्योंकि वो स्कॉटलैंड से कहाँ के लिए जा रही है, लंदन के लिए। बट दिस इंस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन द मोस्ट, सी वॉज प्रोफाउंडली डेफ। बट ये जो म्यूजिशियन है, यानी इवेलिन ग्लेनी की बात की गई है, जो उसको बड़ा चैलेंज है, उसके लिए बड़ा चैलेंज है कंपेरिजन के दूसरों के, क्योंकि वो डेफ है, ठीक है ना, वो सुन नहीं सकती। इवेलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, यानी इवेलिन ग्लेनी पहले से ही डेफ नहीं थी, ठीक है ना, उसकी उसकी हियरिंग पावर पहले से ही ख़राब नहीं थी, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली धीरे धीरे वो इसकी हियरिंग पावर वो लॉस होने लगी। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग वेन द 8 ईयर ओल्ड इवेलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। अब यहाँ पे उसकी मदर है, वो बता रही है कि उनको याद है कि पहली बार जब इवेलिन 8 ईयर्स ओल्ड थी, जब वो वेट कर रही थी पियानो बजाने के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे उसकी मदर ने ये नोट किया था कि कुछ रॉन्ग हुआ है, कुछ गलत हो रहा है इवेलिन के साथ। दे कॉल्ड हर नेम एंड सी डिडंट मूव। अब यहाँ पे इवेलिन का नेम है जो बोला जाता है, बट वो मूव नहीं कर रही है, यानी कहीं ना कहीं वो सुन नहीं पा रही है। आई सडनली रियलाइज सी हैडंट हर्ड, यानी मुझे उस समय रियलाइज हो गया कि वो सुन नहीं पा रही है। सेज इजेबल ग्लेनी, जो इजेबल ग्लेनी कौन है, मदर है इवेलिन ग्लेनी की। फॉर क्वाइट अ वाइल इवेलिन मैनेज टू कंसील हर growing deafness from the friends and teacher। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है कंसील, कंसील मतलब छुपा रही, यानी इवेलिन मैनेज कर रही थी कहीं ना कहीं जो उसकी जो डेफनेस है, कहीं ना कहीं जो उसकी हियरिंग पावर कम होती जा रही है, वो छुपा रही है अपने फ्रेंड्स से और टीचर से। बट बाय द टाइम सी वॉज 11 हर मार्क्स हैड डिट्रोटेड एंड हर हैड मिस्ट्रेस अर्ज हर पेरेंट्स टू टेक हर टू द स्पेशलिस्ट। बट समय जाने पे अब वो 11 ईयर्स ओल्ड, जब वो 11 ईयर ओल्ड थी, उसके मार्क्स धीरे धीरे कम होते जा रहे थे, डिट्रोटेड मतलब कम होते जाना, और उसके लिए उसके जो टीचर हैं उन्होंने अपने उनके पेरेंट्स को बुलाया और बोला कि इनको स्पेशलिस्ट के पास दिखा दीजिए। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सेवरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। तब वहाँ पता चला कि उसकी हियरिंग है वो इम्पेयर्ड, हियरिंग पावर है जो क्या हो गई, ख़राब हो गई, धीरे धीरे वीक हो गई है, क्योंकि रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व्स ड्रेवन, या नर्व्स के डैमेज की वजह से उनकी हियरिंग पावर क्या हो गई थी, धीरे धीरे वीक पड़ गई थी। दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स एंड सेंड टू अ स्कूल फॉर द डेफ। अब यहाँ पे जो उनके टीचर्स हैं वो उनको एडवाइस कर रहे हैं कि इनको एक जो डेफ के स्कूल है, डेफ के लिए जो स्कूल होता है, वहाँ पे उनको भेज दीजिए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेज इवेलिन। अब यहाँ पे इवेलिन के लिए, यानी सब कुछ एक बोल सकते हैं कि ज़िंदगी थम जाना, ठीक है ना, यानी लाइफ में कुछ आगे के लिए सोच ही नहीं पाना। अचानक से कोई भी आपको बोले कि आपकी हियरिंग पावर एकदम से ख़राब हो गई है तो कैसा होगा, तो यहाँ पे भी उसके लिए, यानी सोच रही थी कि आप उसके लिए कुछ नहीं बचा, लुक्ड ब्लैक यानी सब कुछ एकदम अंधेरा से छा जाना, ठीक है।
Paragraph number 3. But Evelyn was not going to give up. बट इवेलियन ने वहाँ पे गिव अप नहीं किया, यानी उसने वो चीज़ को पकड़ के नहीं बैठी, उसको वो चाहती थी कि वो आगे बढ़े, ठीक है. सी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक. अब वहाँ पे उसने एक लक्ष्य बना, डिटरमाइंड मतलब वो सिर्फ एक दृढ़ निश्चय करना, ठीक है. तो यहाँ पे उसने निश्चय किया कि वो नॉर्मल लाइफ ही जिएगी, ठीक है ना. उसने अपना इंटरेस्ट किस में दिखाया, म्यूजिक में. वन डे सी नोटिस अ गर्ल प्लेइंग अ ज़ेलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वॉन्टेड टू प्ले इट टू. एक दिन उसने नोटिस किया कि एक दिन एक गर्ल है जो ज़ेलोफोन, ज़ेलोफोन क्या है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विद द रो ऑफ वुडन बार्स एंड डिफरेंट लेंथ. आपको इमेज भी दिख रहा है, ठीक है ना. अब यहाँ पे उसने गर्ल को देखा ज़ेलोफोन को बजाते हुए, तो उसने डिसाइड किया कि वो भी उसको प्ले करेगी. मोस्ट ऑफ टीचर्स डिस्करेज्ड हर, बट परक्यूशनिस्ट रॉब फॉक्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल. अ परक्यूशनिस्ट क्या है, अ पर्सन हु प्ले द ड्रम द टेबल एक्सेट्रा. अब यहाँ पे क्योंकि वो डेफ थी तो मोस्ट ऑफ टीचर उसको डिस्करेज कर रहे थे कि तुम ये नहीं कर पाओगे, ठीक है ना. बट एक परसिस्टेंट थे रॉब फॉक्स है, उन्होंने देखा कि इस गर्ल में बहुत ही पोटेंशियल है, यानी कुछ करने की इच्छा है. ही बिगिन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट. अब उन्होंने क्या किया, दो लार्ज ड्रम साथ में रखे और डिफरेंट नोट्स में बजाना स्टार्ट किया. डोंट लिसन through your ear, he would say, try to sense it some other way. Okay, तो यहाँ पे जो उनके जो टीचर हैं, जो परसेप्शनिस्ट हैं, रॉब फॉक्स हैं, वो बोल रहे हैं कि इनको सुनने की, आप इसको कानों से मत सुनो, क्योंकि उनको सुनाई तो देता नहीं था. वो बोल रहे थे कि जस्ट उसको सिर्फ ट्राई टू सेंस इट, यानी बस उसको फील करो. सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट टाउन एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट टाउन. और सडनली क्या हुआ, इवेलियन है उसने फील किया हायर ड्रम जो बज रहा था उसको, उसका हाफ पार्ट है जो वेस्ट के अप था वो हायर ड्रम को फील कर रहा था, और जो वेस्ट के नीचे था वो लोअर ड्रम को वो फील कर रहा था, ठीक है. Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in the different parts of her body. अब Forbes ने जो उनके जो percussionist थे, जो उन्होंने अलग अलग exercise repeat की, और बाद में क्या हो, Evelyn को पता चलने लगा कि वो जो notes हैं वो different different bodies के part उनको feel कर पा रहे हैं. I had learned to open my mind and body to sound and vibration. अब यहाँ पे जो Evelyn हैं उन्होंने अपनी बॉडी, उन्होंने अपने माइंड को ओपन कर दिया, और जो उनकी बॉडी थी कहीं ना कहीं साउंड के वाइब्रेशन के थ्रू वाइब्रेशन को फील कर पा रही थी. द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क. और बाकी सब चीज़ें कैसे हैंडल होगी, उनके जो डिटर्मिनेशन थे और हार्ड वर्क के साथ. पैराग्राफ नंबर 4. She never looked back from that point onwards. She toured the United Kingdom with the youth orchestra and by the time she was 16. अब यहाँ पे तब से जहाँ से उन्होंने वाइब्रेशन को फील किया जस्ट बिकॉज ऑफ पर जो उनके जो टीचर थे रॉब फॉक्स, तो वहाँ तक तो उन्होंने यानी सब उनको पता चलने लगा कि उनकी बॉडी है वो अलग अलग पार्ट है, बॉडी के अलग अलग पार्ट हैं, डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स को फील कर सकते हैं, यानी कहीं ना कहीं उनकी जर्नी को उन्होंने वहीं तक नहीं रोका, वो आगे भी कंटिन्यू करती गई. अब यहाँ पे वो यूनाइटेड किंगडम गई विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ जब वो 16 ईयर ओल्ड थी. सी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ. अब उन्होंने अपनी लाइफ को ही, अपनी म्यूजिक को ही अपनी लाइफ बना दी. सी ऑडियंस फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ सी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कॉर्ड वन ऑफ द हाइएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी. अब यहाँ पे उन्होंने ऑडिशन दिया, यानी कहीं ना कहीं एंट्रेंस टेस्ट दिया रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए, ठीक है ना. ऑडिशन मतलब गेव अ शॉर्ट परफॉर्मेंस सो दैट डायरेक्टर को डिसाइड वेदर शी वॉज गुड इनफ और नॉट. अब यहाँ पे उन्होंने ऑडिशन दिया और उन्होंने उनके सबसे हाईएस्ट मार्क्स आए थे जो वो अकेडमी में कभी हिस्ट्री में कभी भी इतने अच्छे मार्क्स किसी के भी नहीं आए थे. सो ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रा वर्क टू अ सोलो परफॉर्मेंस. पहले तो वो ग्रुप में वर्क करते थे, अब उसने उनका कि अब सोलो परफॉर्मेंस देना स्टार्ट कर दिया. एट द एंड ऑफ हर 3 years course, she had captured most of the top awards. अब यहाँ पे 3 years जो कोर्स था रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में, उसके बाद उसी समय में उतने एंड में
उनके पास बहुत सारे टॉप अवार्ड्स उनके पास आ गए, ठीक है टिल नाउ।